कहते हैं ग्रहों के राजा जो होते हैं वो बृहस्पति जी होते हैं, तो हमें बृहस्पति जी को अगर हम पूजा करेंगे, उनको अगर संतुष्ट करेंगे तो हमारा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा होगा, और जो भी शादी की दिक्कत जिनको आती है वो भी इसको पूजा कर सकते हैं। तो देखिए मैं कैसे पूजा कर रही हूँ, मेरे पास ये केले का पेड़ है, देखिए मैं गुरुवार के गुरुवार ये बृहस्पति जी के पेड़ होता है ये केले का पेड़, और ये केले के पेड़ को अगर आप पूजा करेंगे तो हमारे बृहस्पति ग्रह वो शांत होंगे और हमारे शुभ फल प्रदान करेंगे। तो आपको ये केले के पेड़ गुरुवार के गुरुवार पूजा करना चाहिए। कार्तिक के महीने का गुरुवार है, और अगर आपको फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करना चाहते हैं और अगर आपकी शादी की दिक्कत है शादी में, तो आपको एक उपाय करना है। हम आज पूरा पूजा करेंगे ये केले के पेड़ को। देखिए मेरे पास है केले का पेड़, और मैं लाई हूँ ये 5 अगरबत्तियाँ। इसको 5 अगरबत्तियाँ हम देंगे, और फिर दिया, और फिर हमें लेना है ये हल्दी वाला पानी। मैंने ग्लास में हल्दी वाला पानी रख दिया है, और इसको हमें अर्पण करना है ये केले के पेड़ में, और फिर हमें लेना है ये चंदन, और लेना है थोड़ा हल्दी, हमें हल्दी में इसको तिलक करना है, और फिर हम इसमें फूल देंगे, और फिर हमें लेना है ये हैंड फूल, ये हैंड फूल हमें लेना है ये चने की दाल। ये चने की दाल को आपको ऐसे पकड़ के हाथ में बोलना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ऐसे आपको 11 बार चांट करना है। और फिर इसको ये हैंडफुल चने डाल को इसको यहाँ रख देना है, ये केले के पेड़ के नीचे इसको रख देना है, और फिर हमें